मॉर्निंग थर्ड क्लास, आई एम माधवी फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, यू एसएसटी टीचर. स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 14. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर है बेटा आपका 78. द ईडन गार्डन, द फेमस क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड हेयर. देखो, एक ईडन गार्डन है जो फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी कोलकाता में ही लोकेटेड है. बंगाली इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर. यहाँ वहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है? बंगाली लैंग्वेज है. हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो पॉपुलर हेयर. वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है. राइस एंड फिश इज़ द कॉमन फूड ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल. जो बंगाल के लोग हैं वहाँ का कॉमन फूड कौन सा है? राइस एंड फिश. ठीक है, राइस और फिश जो होते हैं वो वहाँ का कॉमन फूड है. रसगुल्ला, सैंडविच एंड चमचम आर पॉपुलर स्वीट्स ऑफ कोलकाता. कोलकाता की पॉपुलर स्वीट्स जो हैं, यानी कि मिठाइयाँ जो हैं, वो कौन कौन सी हैं? रसगुल्ला नहीं कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? रसगुल्ला कहेंगे. ठीक है, रसगुल्ला, सैंडविच, सॉरी, रसगुल्ला, सैंडविच एंड चमचम. ठीक है, ये तीन क्या हैं वहाँ की स्वीट डिशेज़ हैं. दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोलकाता. कोलकाता का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है? दुर्गा पूजा है, और ये वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. ये कैसे मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है. अदर इंडियन फेस्टिवल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड. जो दूसरे फेस्टिवल हैं इंडिया के, जो दूसरे फेस्टिवल हैं लाइक होली, दिवाली, ये सब भी वहाँ पे धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जो दुर्गा पूजा है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है. फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ कोलकाता. कोलकाता की पॉपुलर गेम कौन सी है? फुटबॉल. शांति निकेतन, अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ नियर कोलकाता. देखो, शांति निकेतन है जिसको किसने फाइंड आउट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग बाग सीखने के लिए आते हैं. ठीक है, और ये कहाँ पर है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो स्थापित किया गया है, ये कोलकाता के पास में ही है. इट हैज़ बिकम अ फेमस सेंटर ऑफ फाइन आर्ट. ये फाइन आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. जो आर्ट्स वगैरह होती है ना, पेंटिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. नाउ दिस फेमस यूनिवर्सिटी इज़ कॉल्ड विश्व भारती. अब ये फेमस यूनिवर्सिटी है जिसे क्या कहा जाता है? विश्व भारती कहा जाता है. कोलकाता हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. कोलकाता में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोलकाता में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज़ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता. बाय एयरवे इट इज़ वेल लिंक्ड विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एयरवे के थ्रू जो कोलकाता है वो बहुत सारी कंट्रीज से लिंक्ड है, यानी कि यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी जाती हैं जो दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट होती हैं. द पीपल ऑफ कोलकाता आर वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग. जो कोलकाता के जो लोग होते हैं वो सिंगिंग में, यानी कि गाना गाने में, डांसिंग में, यानी कि डांस करने में, और पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं. यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं उनमें, जिसे कहते हैं ना, एक एबिलिटी होती है पेंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग की, बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, अब देखिए, डू यू नो रविंद्र टैगोर वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज़. रविंद्र टैगोर जो थे वो ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नोबल प्राइज़ रिसीव किया था. नोबल प्राइज़ एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, और ये इंडिया में सबसे पहले किसने रिसीव किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, जिन्होंने शांति निकेतन को क्या किया था? फाउंड किया था. ओके, तो हमारा ये चैप्टर था कोलकाता के बारे में. हमने इसमें ऑल अबाउट कोलकाता पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. तब तक के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.